हुए सारे के सारे डीजे खड़े हुए हैं यहाँ पर। वहां पर एक देख सकते हैं, वहां पर चौधरी डीजे खड़ा है, पीयूष कटारिया खड़ा है, डीएस तूफान खड़ा है, रवि खड़ा है, ये खड़ा धड़कन। तो सारे के सारे डीजे एट प्रेजेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यात्रा बहुत गजब की होने वाली है, पूरी वीडियो देखना, गजब आपको मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। और मैं आपका दोस्त राकेश तोमर घुमक्कड़, यूपी मेरठ से। यूपी मेरठ से आज मैंने इसलिए बताया कि बहुत से लोग पूछते हैं राकेश भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो दोस्तों मैं मेरठ का, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, वहाँ का रहने वाला हूँ। और एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में खेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ आज, आज मैं हूँ एक अलग अपनी यात्रा पर। और दोस्तों पहली बार पता लगा मुझे उस यात्रा का, इतने दिनों से आप लोगों को कुछ डीजे दिखा रहा हूँ या इधर उधर घूमता हूँ, लेकिन ये यात्रा मुझको पहली बार खुद पता लगी कि कोई मेरठ के पास इतनी जल्द, इतने नियर भाई कि डीजे। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको डीजे यात्रा, और बहुत सारे डीजे, एक डीजे, दो डीजे नहीं, बहुत सारे डीजे, और बड़े बड़े डीजे आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो भी मेरठ के इतने नज़दीक। और यार आज तक पता ही नहीं था कि ऐसी कोई यात्रा भी मेरठ के नज़दीक निकलती है। तो दोस्तों बात करेंगे वहीं पर चल के, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में, तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं। पसवाड़ा पड़ता है यहाँ से कोई, और मैं हूँ इस टाइम हसनपुर में। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं खुद नहीं गया, तो ये गांव के बीच में से रास्ता जाता है कोई। और अभी यहाँ से बताया गया है कि 3-3.5 किलोमीटर दूर और पड़ता है, और अभी अभी अगर मैं बात करूँ तो 11:30 हो चुके हैं। और दोस्तों देखो क्या लहला रही थी, सरसों की फसल। यश चोपड़ा की फिल्मों की शूटिंग हमेशा सरसों के खेत में होती है। चलिए सर गोलू जहाँ पर बनता है गुड़, एक तरफ बाग है। तो अगर घर की मैं बात करूँ तो ये जो फसल है ना, ये आलू की फसल है, और ये आपका गन्ना। तो किसी ने नाम पुकारा मेरा, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैं आपके बहुत वीडियो देखा, बहुत लाइक करता हूँ मैं आपको। आज क्या है इधर बहुत डीजे में, आपको हम आपको फोन करने वाला था मैं आपको। अच्छा बहुत डीजे आ रहे हैं, नामी-गिरामी डीजे, नामी-गिरामी सारे। हाँ पहुँचो तो अनुज कुछ ढकन डीजे के बाहर देख रहे हम तो उनके। अच्छा अभी आया नहीं अनुज, बुक कर रखा है आप लोगों ने, बुक कर रखा है। मुझे अनुज से ही पता लगा कि यहाँ पे ऐसी कोई यात्रा भी निकलती, मुझे पता ही नहीं था ना यात्रा निकलती है। हाँ मुझे पहली बार ही पता लगा। तो कहाँ है अनुज इस टाइम? इस टाइम उनकी बाहर देख रहे हूँ। चलो तो आ जाओ, मिलते हैं वहीं। ठीक। डीजे सेटअप दिखने लगे, आशीष चौधरी डीजे, ये देखो यहाँ पर आशीष चौधरी है। तो ये आशीष चौधरी पहला डीजे दिखाई दिया इस आज के दिन का, आशीष चौधरी किला मेरे। तो इसका मतलब कुछ बड़ा ही ओकेशन होने वाला है, तगड़ा ही काम होने वाला, आशीष चौधरी यानी कि तगड़ा ही कांड हो रहा, काम होने वाला आज। जी, बहुत तगड़ा कंपटीशन होएगा आज तो, बहुत तगड़ा मेला रहता है। हाँ पहली बार ही पता लगा मुझे इसका। बिल्कुल पहुंच रहे हैं, आ जाओ। और दोस्तों सामने दिखाई देने लगा है, तो आज मजा आने वाला। तो दोस्तों आज मजा आने वाला, बने रहना आप लोग, बने रहना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर गोहरा, रॉबिन गुज्जर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको रॉबिन गुज्जर। और पब्लिक देख सकते हैं आप, तो अलग ही आज मजा आने वाला है यहाँ पर, कुछ अलग हटके ही मजा आने वाला है। तो लाला डीजे भी यह खड़ा है, रॉबिन था, और ये आपका और ये रवि था, रवि करके, ये लाला डीजे। भाई वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रवि, लाला डीजे। और ये आ गया डीएस तूफान, तो कमाल ही होने वाला आज, आज यहाँ पर कमाल ही होने वाला है ना। ये डीएस तूफान, एक चक्कर लगा लेता हूँ मैं पहले, अभी सेटअप बन रहा सभी डीजों का, तो एक छोटा सा चक्कर लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। रुक रुक के बात करेंगे, फिर सारा का सारा दिखाएंगे आप लोगों को। आ गया पीयूष कटारिया, और यहाँ पर एक गन्ने की अपना
कांटा जिसको बोलते हैं, और ये है पीयूष कटारिया। अरे मैं यहाँ लगा देता हूँ अंदर। भैया खड़ी कर दूँ यहाँ, अंदर लगवा दो। तो गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों, और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरी बाइक मैंने यहाँ पर पार्क कर दी, ऐसे में कोई मना नहीं करता है, और खासतौर से गांव में तो अभी बहुत प्यार मोहब्बत बचा हुआ है। तो थोड़ा सा हम भी जानकारी पता करते हैं कि ये जो आज डीजे बज रहे हैं, बज क्यों रहे हैं। तो यहीं पर एक चौधरी साहब बैठे हैं, इनसे राम राम चौधरी साहब। तो जैसे चौधरी साहब, ये जो आज मैंने अभी रास्ते में देखा, ये डीजे वगैरह बज रहे हैं काफी सारे यहाँ पे आए, ये है क्या चीज? ये नट बिरादरी के लोग हैं जी। नट बिरादरी के लोग हाँ। ये पहला इनका कोई दादा है, दादा दल्लू जी, इसका ये नाम ले रहा है। इसे पूजन आ रहे हैं, मैं दौर के जो दूर 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 तक के नूतन आती है जी जी, महल वाला हुआ, किनानगर हुआ, दिल्ली हुआ, मेरठ भी हुआ, और भी दूर दूर तक के आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मंदिर है, मठ है, क्या चीज है? हाँ, मंदिर बना रखा है इन्होंने जी जी, पहले ही है, पुराना ही, हमारी याद से भी पुराना है जी जी। तो वहाँ पर पूजा करने आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जानकारी मिली है कि जो नट बिरादरी होती है, जो जगह जगह घूमते वाले होते हैं, जिन्हें घूमते बोलते हैं घूमते बिरादरी, उन लोगों के यहाँ पर देवता है, तो उनको पूजना आते हैं, और हर 5 साल में आते हैं। तो इस बार 10वें साल में नंबर आया, तो कुछ बड़ा ओकेजन है, दिखाते हैं हम लोग भी आपको कि होता क्या क्या है, मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों ये है यहाँ पर मठ का हो, मंदिर का हो, समाधि कह सकते हैं, जो भी है इनके बुजुर्गों की याद में जो ये मेला लगता है। तो ये नट बिरादरी है और ये यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये लोग मंदिर में इस टाइम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भंडारा चला रहे हैं, और देख सकते हैं आप चारों तरफ को सब लोगों ने पगड़ी वगैरह बांध रखी है, और कुछ लोग प्रॉपर ड्रेस में, ब्लैक कैट कमांडो, और ये है वो मंदिर। तो यहाँ पर हुक्का भी गुड़गुड़ा रहे हैं, तो क्योंकि नट बिरादरी है तो पूरी की पूरी जबरदस्त इन लोगों में बिरादरीवाद बहुत तगड़ा चलता है। तो ये है वह जगह जहाँ पर ये लोग पूजा करने आते हैं। मंगल राम और दोस्तों आपको दिखाऊंगा, जैसे गढ़गंगा में मेला भरता ना, और टेंट की दुनिया बस जाती, पूरा का पूरा टेंट का पूरा गांव बस जाता, इसी तरह इन लोगों ने भी अपना गांव यहां पर बसाया हुआ। कोई कहीं से आया, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई गाजियाबाद से, कोई हरिद्वार की तरफ से, कोई यानी कि उत्तर प्रदेश के कोई कोना ना छोड़ रखा जहां से ये लोग नहीं आए, वो दूर दूर से आए। और यहां की अगर मैं बात करूं, तो यहां देख सकते हैं इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना यहां पर खाने पीने का अरेंजमेंट, पूरा का पूरा एक तरह से अपना रेजिडेंस बसा लिया है प्रॉपर। सारे जो जितने हैं, हम जी बाहर से आए हुए हैं, वैसे तो जैसे अलग अलग बस जाते हैं, गुजरात से। हाँ वो है ना, आप तो घूमतू बिरादरी से हैं, कोई कहीं बस गया, कोई कहीं बस गया, चलते फिरते रहते ना आप लोग। हाँ तो बने रहना, पूरा का पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अंदर तक ले जाने के बाद पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे मैंने वहां दिखाया गंगा के मेले में, पूरा इसी तरह का कुछ गंगा जी के मेले में, रेती के किने में इसी तरह से बसता, वहीं पर खाना पीना होता है, वहीं पर सब नहाना धोना रहना सोना सब वहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं खाना पीना बन रहा और चूल्हे पर रोटी बन रही है। तो ये पूरी की पूरी ऐसी तंबुओं का शहर इन लोगों ने अपना गाँव बसा लिया। तो जगह जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पर शायद आई थिंक पानी गर्म हो रहा, एक झूला भी बनाया हुआ है इन लोगों ने बच्चों के लिए। तो ये इनका रहन सहन है इस तरह से, बात करो तो यहाँ पर खड़ा डीएस तूफान। अच्छा आज ही पता लगी ये बात। तो डीएस तूफान इधर, डीएस तूफान है और अनुज गुज्जर भी आ चुका है, और आपका इधर रवि है, कटारिया है, और देखते हैं कौन कौन से हैं, मैं आपको सभी दिखाता हूँ। और अपना लाला, लाला डीजे सारे जहाँ से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी ये भी शांत है, सेटअप लगा दिया है, बस बजने की देर है, तो कुछ ही समय में ये बजने शुरू हो जाएंगे। ये तो ब्लैक कमांडो यार, तुम तो सारे तुम्हें नहीं लेंगे, पूरे पूरे ब्लैक कमांडो लगे हुए। दोस्त कहाँ से आप लोग? लाला की शोभा यात्रा है, जिसमें 8 डीजे लगे हुए, लाला जी, धड़कन, रॉबिन डीजे, और कटारिया पीस कटारिया, और डीएस तूफान, और वगैरह वगैरह बहुत सारे डीजे लगे हैं। मतलब जी जी जी, जो आज इनका कॉम्पिटिशन होगा इस खेत के अंदर होगा। रवि भी है। और आप लोग कहाँ से हैं? हम बदनोली से, हापुड़ से। बदनोली हापुड़ से लेने वाले, तो देख सके रवि नैनपुर गुर्जर। जोड़ी से भी रॉबिन गुर्जर ही कहते हैं।
छोटा पैक बड़ा धमाका ही कहते हैं। बहुत वीडियो देखे राकेश भाई की, बहुत बड़े शुक्रिया भाई, शुक्रिया राकेश भाई। आओ विशाल खटाना ब्रांड है, ब्रांड ब्रांड तो दोस्तों मुझे पहली बार पता लगा यहाँ इस तरह की भी कोई यात्रा निकलती है, तो मुझे आज से पहले नहीं पता था। और मैं समझता हूँ कि जब ये बजेगा तो अच्छे अच्छे को टक्कर दोगे। खुला चैलेंज है जी, ओपन चैलेंज किंग। कोई बात नहीं, यही ये खेत खाली हो गया, यही इसी में करवाएंगे। बिल्कुल कुछ कहेंगे डीजे के बारे में? पूरे मेले को खुला चैलेंज है हमारे डीजे, आपकी तरफ से खुला चैलेंज है। ठीक है, आपकी बात मैं आगे तक भेज देता हूँ। और बाकी डीजे जो है भाईचारे में कोई भी लगे, बिल्कुल हो ना भाईचारे में, भाईचारे में कोई भी लगे, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया ना यहीं पे एक खेत खाली हो गया, वो यहीं उतरवा देंगे। नहीं तो आगे कांटा है, है वो भी खाली है, वही लगवा देंगे। भैया एक डीपी सी हमारी सब डीजों को फेल कर जाएगी। माचिस की डिब्बी छोटी होती है, आग बड़ी लगाती है। अभी मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में। ये क्या करने वाले हो आज? कुछ नहीं कर रहे हमारी। तो आज क्या करने वाले हो आप यात्रा में? पहले सबसे पहले बताओ, पहले भी आए हो इस यात्रा में या पहली बार? पहली बार आए हो, मुझे लग रहा सारे करीब करीब सारे ही पहली बार आए हैं। तो ये यात्रा है कैसी? ये जी आप पहली बार करेंगे बाबा की यात्रा? वैसे तो बाबा की यात्रा है जी। कौन से बाबा की? डल्लू बाबा की। डल्लू, हाँ वो भी मुझे नाम बता रहे थे, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था। डल्लू निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी। और इनकी भी की ये हमारे भैया चौधरी डीजे किला से हैं। बिल्कुल। ये हमारे गुरुजी हैं रोबिन गुज्जर के नाम से। बिल्कुल। जो डीजे गोरे से। तो आज वो कहते हैं ना इनका प्यार प्यार से थोड़े थोड़े आपस में एक एक गाना तो प्यार से करना चाहते हैं। हाँ, एक एक गाना करना। और दोस्तों ये आ चुका अपना धड़कन, हर दिल अजीज की धड़कन, धड़कन डीजे। और यहाँ पर चल रही पूरी प्रिपेयरिंग, तो हिलाने की पूरी इन लोगों की तैयारी है। अनुज भाई ऊपर, और क्या हाल है बंदे? तो पूरी पूरी इन लोगों की तैयारी है कि पहली बार जैसे इस यात्रा में आए हैं कि सभी अपना नाम करके जाएं यहाँ। तो सेटअप बांधते हुए छोटे हाथी में से माल निकाल निकाल करके ऊपर को टांगते हुए, तो यह है अपना धड़कन। और जब बजेगा धमाल उठवाओगे, ये देखो एंड कर देंगे, सारे सारे एंड ही कर देंगे। हाँ चीता ही कहते हैं सारों को डायलॉग आजकल नए नए चल रहे हैं सबके। विदेश के लोग इधर वो है। अच्छा गोरा अंग्रेज भी आया अभी।